जी सर, न्यू स्टार्ट हो गई है। न्यू स्टार्ट हो गई है। अब यस देखो, जिन बच्चों के स्टोर ही ना मिले उनके मैंने नाम लिए थे, वो बच्चे अभी भी अवेलेबल नहीं है, बाकियों के सब किया गया। सिर्फ मैंने आपको बताना, स्टोर का मसला नहीं, सिर्फ एक दफा कर लो ना वो काम हो जाएगा। एक दिन बैठोगे स्टोर ऐसे सेट हो जाता है, उसका मसला नहीं है। अभी देखो, अब आपने ना टेडी ट्रोली के ऊपर आने के बाद ना अपना जो स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करना है, स्टोर पे क्लिक करना है, होम पे आ जाना है। अभी इसका नाम तुमने देना है शॉपिफाई कस्टमाइजेशन। प्रो कस्टम प्रो कैसे करते हैं शॉपिफाई, ठीक। अब गौर करना है मेरी बात, ठीक है। अभी देखो, अब आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद ना सेलिंग चैनल के नीचे ये ऐप लिखा हुआ है, ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ सबसे पहली ऐप आपने सर्च करना है, रिलीज्ड, आर ई एल ई ए आई एस टी, रिलीज्ड सीओ डी, एस सीओ डी, और एंटर कर देना है। जैसे ही सीओ डी एंटर करोगे ना क्या ओपन होगा यार, जिसका माइक ऑन है ना माइक ऑफ कर देना। जैसे रिलीज्ड सीओ डी ओपन करोगे ना तो ऐप स्टोर आ जाएगा शॉपिफाई का। आपने इसके ऊपर से जो ये वाला फॉर्म है ना, रिलीज्ड सीओ डी फॉर्म, इसको क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ये मेरी वीडियो दोबारा मोबाइल पे भी चला लोगे ना तो इजीली समझ आती है, मैं बिल्कुल आसान समझाता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है ऐड एप्लीकेशन, ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे ना, ये जो प्रोडक्ट, ये जो चीज ना आपके, अच्छा मैं पहले बताता हूँ इसका नुकसान क्या है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। ये एप्लीकेशन आपके ना उसके साथ ऐड हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अब देखो, कस्टमर आपने एडवर्टाइजमेंट कर ली, कस्टमर आ रहे हैं, भाई जान आके चीजें खरीद रहे हैं, माशाल्लाह लड़के को थोड़ी सी अच्छा ही। देखो ये लड़का आया, अब क्या किया कि अब एक बंदा आता है आपकी, आपने वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है माशाल्लाह, आप इसको सेल करो। सॉरी मैंने आप लोगों की आपकी प्रोडक्ट रिवील कर दी, आई एम वेरी सॉरी। उसने सोल्ड आउट लगाया, अब सोल्ड आउट क्यों की हुई है, ये भी सोल्ड आउट की हुई है। अच्छा, सर ये स्टोर चेक करने के लिए लगाया था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, ये डिस्पेंसर की बात कर लेते हैं, हम इसको अभी वो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं ट्रैक क्वांटिटी। ठीक है, और हम इसको 1600 रुपये, यार कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखा करो यार, ठीक है। तो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया, ये प्रोडक्ट थी, ओपन किया, ये थी ना, हाँ ये थी। सर ये नीचे इन्वेंटरी वाला जो आ रहा है वहां से होगी, इंक्लूडिंग, ये इसने कहीं से सेटिंग आई थिंक कुछ चेंज हुई है। एक क्वांटिटी है ना, वहां पे चेंज करें, वहां पे होगा सर, यहां पे सर अवेलेबिलिटी, अवेलेबल में करें सर। हां हां इजी इजी है, इजी इजी हो जाएगी अब, ये लो। मैं ये, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही थी, एक मिनट वेट करो सिर्फ। अच्छा ये देखो, आपने एडवर्टाइजमेंट की, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ गया। अब कस्टमर वेबसाइट पे आता है, उसका दिल भी किया उसने चीज खरीदने का, ठीक है, चीज खरीदने का उसने दिल कर लिया, मतलब वो कन्विंस होकर आ गया, उसने चीज खरीदना भी शुरू कर दी। वो आगे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करता है, अब मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, अब ये पहले ये चीज खुलेगी, फिर मैं यहाँ सिर्फ अपना नंबर दूंगा, मैं आपको कहूंगा मेरा ये जीमेल है, अपना नेम देता हूँ, मेरा नाम हमजा है, फिर मैं अपना लास्ट नेम देता हूँ अजीम, मेरा नाम लास्ट नेम अजीम है, फिर मैं अपना एड्रेस देता हूँ कि मैं लाहौर कैंट में रहता हूँ, फिर मैं अपना अपार्टमेंट देता हूँ कि मैं अस्करी 11 में रहता हूँ, फिर मैं अपनी सिटी बताता हूँ कि मैं लाहौर में रहता हूँ, फिर मैं अपना पोस्टल कोड बताता हूँ। कोई बंदा पागल है वो कहेगा मैं कितना, ये मेरे से इसने मेरा रिश्ता लेना है, ये मेरे से इतनी चीज़ें पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो कहेगा मैं एक चीज़ खरीदने जा रहा हूँ या रिश्ते लेने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो बड़ा एक कस्टमर जो होता है ना, उसके लिए जितनी, वो कहते हैं ना कस्टमर को हमेशा प्योरिटी दो, उसको जितनी प्योरिटी दोगे ना तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब ये जो चीज़ें वो इतना लिखेगा, फिर वो कंटिन्यू शॉपिंग कर देगा, अच्छा वो पहले इसको सेव करेगा ना करे, फिर उसको पेमेंट करेगा, फिर जाके ऑर्डर कंफर्म होगा। इतना कस्टमर कभी भी नहीं करता। इसके लिए सादिक का क्या होता है, मैंने आपको बताया, आपने सिंपल यहाँ टेडी ट्रोली पे आना है, ऐप्स में जाना है, लिखना है रिलीज आई ई एस टी सीओडी फॉर्म, ये लिखना है, ठीक है, रिलीज सीओडी फॉर्म लिख लिया। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, इधर आना है, ये रिलीज सीओडी आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है, ऐड ऐप पे क्लिक करना है। इसकी कुछ सेटिंग्स है, मैं वो भी बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने करनी। ऐड ऐप पे क्लिक कर दिया,
तो यहाँ ये ऐप कह रहा है कि आपके शॉपिफाई में ऐड करें, इंस्टॉल ऐप कर दो। जैसे ही एप्लीकेशन आपके शॉपिफाई में इंस्टॉल होगी ना, तो बस इंस्टॉल हो जाएगी। और इसमें क्या होना है, इसको इंस्टॉल होने दो, बस ये इंस्टॉल हुआ। एक मिनट सर, इसका नुकसान क्या है सर? नुकसान ये है कि एप्लीकेशन है, नुकसान ये है कि एप्लीकेशन है। एक मिनट कोई बोले ना यार। अच्छा ये देखो, ये आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन ऐड करोगे, इंग्लिश करना कंटिन्यू कर दोगे, आप इसे इंग्लिश में कंटिन्यू करोगे तो ये आपको कि आप इसे इनेबल करो। तो आपने ओपन थीम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थीम को ओपन, ऐसे ओपन थीम पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ना ये आपके थीम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी, मतलब 10-20 सेकंड लेती है बस। ये देखो, इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। आपने इसको सेव किया, जैसे ही सेव करोगे ना तो ये आपके जहां आंखों के ऊपर बटन बने हुए हैं ना, मतलब क्रॉस लगा हुआ है, और मेरी आवाज आ रही है? यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, और ये दोनों चीजों को भी नहीं छेड़ना। फर्स्ट नेम को ना आप लोगों ने कर, जो लास्ट नेम है इसको आंख को ओपन कर देना। आंख को ओपन करो, फिर इसको सेव कर लेना, ठीक है? ये पहला हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद नीचे आना है, ये कह रहा है फोन नंबर, फोन नंबर भी सही है। अभी देखो, इसने यहाँ दो एड्रेस दिए हैं, एड्रेस नंबर वन, एड्रेस नंबर टू। एड्रेस नंबर जो वन है ना, इसको खत्म कर दो। असल ये एड्रेस नंबर टू को, एड्रेस नंबर टू को आंख ओपन कर दो, आंख ओपन कर दो, खत्म हो जाएगा। प्रोविंस को भी खत्म कर दो, ओपन कर दो। सिटी को भी सिटी रहने दो, ठीक है? जिप कोड को खत्म कर दो, ईमेल को खत्म कर दो, और ये सब्सक्राइब को खत्म कर दो। उसके बाद जो है ना, ये इतना साफ था, और इसको यहाँ से सेव कर दो। इतनी सी है, ये मेरी वीडियो आपको आएगी, आपने देख लेनी, ठीक है? अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। इसको सेव कर लिया, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, ठीक है? अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने सिंपल अपनी ओपन करनी वेबसाइट। मैं वेबसाइट पे आया, मैंने वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं ये प्रोडक्ट थी ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब कस्टमर प्रोडक्ट लेने आया, अब कस्टमर ने सिंपल ये देखा, बाय नाउ कैश डिलीवरी, क्लिक किया, चीज सामने आ गई, नाम एंटर किया, फोन नंबर एंटर किया, एड्रेस एंटर किया, सिटी एंटर किया, कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर सेकंड में कंप्लीट। कैसा? जिंदाबाद सर जी, जिंदाबाद मुबशर पुत्र, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ना, ये तरीका कितना सिंपल है। इधर के पहले आप जाओ, वो कस्टमर पहले शॉप नो पे क्लिक करे, फिर वेट करे, वो नया एक टैब ओपन हो, नया टैब ओपन होने में पता नहीं कितनी देर लगाए, वो पर पहले कितनी देर लगाए, उसके बाद वो फिर वहां किसका नाम। इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ। आप कस्टमर के, अब आप यहाँ आ गए वेबसाइट के ऊपर। अब आपको, मैंने आपको याद है, मैंने आपने ऑडियंस से बात भी करनी है, बताना है, चुप करके इधर आओ, इसी द्वारा इस, यहाँ तक काम, यहाँ तक जिंदाबाद हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया ना, यहाँ तक काम, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, अब कस्टमर को हमने ग्रैब कैसे करना है।
अब दराज के ऊपर नहीं होता, आपने दोबारा इधर उस ऐप पे क्लिक करने पर इंस्टॉल होंगे ना, वो यहाँ एप्स एंड सेल्स चैनल में होगी। ये कोई लिस्ट आ गई एप्स एंड सेल्स पे क्लिक करोगे ना, जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी ना सेटिंग के अंदर आके भी आपको नजर आ जाती है एप्लीकेशन जो आपके इंस्टॉल किए थे। सेटिंग के अंदर आप गए, सेटिंग के अंदर गए तो यहाँ देखो लिखा होगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लिख हुआ ये एप्स सर मार्केट के नीचे लिखा होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा मार्केट के नीचे ये नजर नहीं आ रहा था। अच्छा इसके ओपन किया, अब इस पे क्लिक कर लिया, यहां से भी बताता हूं कैसे। अब देखो कस्टमर पे आ गया, अब मैं भी सिंपल वेबसाइट पे आ गया, अब वो करे ना तो मैं मैजिक क्या है इधर स्टॉप है। अब आपने इधर आने के बाद ना ओपन ऐप पे देखो ओपन ऐप लिखा हुआ है, एप्स एंड सेल्स पे क्लिक किया, एप्लीकेशन ओपन की, ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे ठीक है, जैसे ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपने ओपन फ्रॉम डिजाइनर कर देना है। सुन मैंने आपसे बात करनी है, आप अपना जीमेल और अपना पासवर्ड जो है ना मेरे नंबर पे अभी फॉरवर्ड करो, अपना जो ऑफिशियल जीमेल है ठीक है, तो आपको ऑफिशियल जीमेल और जो पासवर्ड है वो मुझे फॉरवर्ड करो। यहाँ आगे अब एक तरीका और है, आप कर लो या एम्बेड लो, इन दोनों क्या मतलब देखो एप्लीकेशन ओपन है और एम्बेड क्लिक करे, और एम्बेडेड का ये मतलब होता है कि कस्टमर जो है तो एम्बेडेड करके सेव करोगे ना आप देख क्या होता कि अब यहां आया कस्टमर, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, करो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कस्टमर वेबसाइट ओपन की, ऑलरेडी फॉर्म सब बना बनाया सामने आ गया कि भाई अपना नाम एंटर करो, फोन नंबर एंटर करो, आप ऑर्डर यहीं से कंफर्म हो जाए। अब यहां ये कर लो या ये पॉपअप वाला कर लो, ये आपके अपने ऊपर है, समझ आ गई बात। ये वाला अच्छा है, मैं तो पॉपअप ही रिकमेंड करता हूं, मैंने भी सारा पॉपअप किया है। अब आगे क्या करना है, ये बात मैं ये नहीं बताने लगा था, मैं ये एक फंक्शन बताया ठीक है। आगे क्या करना है, आगे इधर आओ, इधर देखो आगे ये जो ये नहीं है इसको कोशिश करो जो कलर आपको पसंद है ना उस कलर का कर दो, जो कलर मेरा तो ब्लू लाइट ऑरेंज है ठीक है सर, वैसे जो स्टोर का कलर है वही रखना चाहिए क्या कहते हैं मैचिंग, जो आप भी रिकमेंड करता हूं जो स्टोर का कलर है ना वही रखना चाहिए ठीक है। ठीक है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है देखो, अब आप लेना यहाँ लिखा हुआ था डिजाइनर, थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है इसको आप ओपन करते हो ना कस्टमाइज योर फॉर्म लेआउट एंड सेटिंग, अब उसके नीचे लिखा कस्टमाइज मोड सेटिंग पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किया अब ये लिखा हुआ है कस्टमाइज योर बाय बटन। देखो पहले हम इस पे क्लिक करते थे ना तो ये आता था हमारे सामने ये वाला, अब हमने यहाँ इस पे क्लिक करना है कस्टमाइज मोड सेटिंग पे क्लिक करना है, व्यू सेटिंग पे क्लिक करके अब लिखा हुआ कस्टमाइज योर बटन बाय बटन, इस पे क्लिक करो, तो बाय बटन का मतलब होता है उसने खरीदना होता है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं बाय बटन का मतलब होता है कि वो किस बटन पे लेगा तो वो चीज ठीक है, तो बाय बटन का मतलब ये होता है प्लस सेलेक्ट भी कर ये आ गया। अब मेन आपको बतानी थी ना आपको कस्टम की बतानी थी ठीक है, वो क्या होती है कि इसको फोर्स कर फोर्स कैसे करना है, अब कस्टमर यहाँ आ रहा है उसको कोई चीज फोर्स कर रही है, कस्टमर देखो ना यहाँ वेबसाइट पे आ रहा है क्या कोई चीज कस्टमर को फोर्स करी है कोई चीज खरीदे no. आपको लग रहा है कोई चीज फोर्स कर रही है कस्टमर को, नहीं कर रही। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ आओगे अब आपने ना देखो फॉन्ट साइज को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देना, थोड़ा सा एक बड़ा कर देना, और यहाँ देखो लिखा होगा कि बटन स्टिकी बटन पोजिशन, आपने बॉटम पे अच्छा ये वो बटन पोजिशन ठीक है, बटन सब टाइटल बटन ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ है बटन एनिमेशन ठीक है, बटन एनिमेशन आपने नन की जगह क्लिक करना है और इसको बाउंसर पे क्लिक कर देना और इसको सेव कर लेना ठीक है, और यहां मैंने इसको शेकर रखा हुआ है, आपने शेकर पे क्लिक करके ना सेव कर लेना। अब देखना क्या होता, अब मैं यहां आता हूं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अभी देखना ये शेक करेगा बटन, जब ये मेरे ख्याल अभी तक सेव नहीं हुआ, ये हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं दोबारा, भाई हो जाओ एक मिनट इसको, ये आई थिंक सो अभी तक वो वेबसाइट तक नहीं गया, ये हो जाएगा दो दो तीन मिनट लगाते हैं ये हो जाता है, शॉप नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक दो मिनट तक होती है, देखो होना शुरू हो गया, अभी यहाँ आया ये कस्टमर को बार बार शेक करके बता रहा है कि भाई मेरे से मेरे पे क्लिक कर और सेव कर ले। अरे वाह
हैवी सीन है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है सर, सेक्सी सीन है जी। और क्या ऐसी चीजें तो कोई भी नहीं बताता सर। एक सवाल है सर, एक मिनट, सवाल मैं कह रहा हूँ एंड पे लूंगा, एक मिनट वेट करो, सवालों के जवाब कल मिलेंगे, अभी वेट करो, अभी लेक्चर को समझो, अभी फ्लो बना हुआ है, मेरी बात सुनो, यहाँ तक सीन होगा। अब मैं बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, अब ये चीजें ना मुझे पता ना, नहीं आप लोगों को लोग नहीं बताते क्यों, लोग क्यों कॉम्पिटिशन रखेंगे, दोबारा एफसीएल चैनल पे आना, यहाँ तक बात खत्म करिए। यहाँ आपने लिखना है प्रूफ बियर, PRFF प्रूफ बियर, ये प्रूफ बियर लिखना है और एंटर कर देना है। अब प्रूफ बियर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्रूफ बियर के ऊपर आने के ना, ये जो प्रूफ बियर का पहला आ रहा है ना, पहले वाला आ रहा है या ये वाला, ये देखो दोनों सेम है, इस पे आप क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऐड ऐप पे क्लिक करो। जैसे ही आप ऐड ऐप पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप लोगों ने ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो ये एप्लीकेशन आपके शॉपिफाई के साथ देखो ऐड हो गई, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपकी, चला पानी जूस डाल, नौकर जूस डाल सर, सर सर खदमत हमारे काम हमारे लाइफ को। अच्छा ये एप्लीकेशन आपने एंटर की, देखो ये एप्लीकेशन ओपन होगी, जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगी ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ बियर इज डिसेबल, कि अभी डिसेबल आपने इसे इनेबल कर देना, इनेबल कर दिया और इसको खत्म कर देना, गोला मार देना। अब इसके ऊपर आने के बाद ना आपने इसे रिफ्रेश करना है। अब आपने शॉपिफाई को रिफ्रेश किया, अपनी वेबसाइट को यहाँ देना दोबारा, अब आपको मैजिक देखना, अगर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से पॉपअप नजर आना शुरू हो जाएंगे, ओपन हुआ अभी तक नहीं हुई, अभी हो जाएगा, ये एक दो मिनट लगाते हैं, एप्लीकेशन ना इंटीग्रेट हो रही होती है ना, तो एक से दो मिनट लगाती हैं, अभी हो जाएगी, वो भी थोड़ा लेट हुआ था, ये भी हो जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं सर, वो नेबर कहाँ से की थी एक दफा बता दें, दोबारा बता देते हैं। आप लोगों ने शॉपिफाई के ऊपर आना है, यहाँ लिखा हुआ है एप्स एंड सेल चैनल, ये देखो ये ऐप पे क्लिक करना है। हेलो, यहाँ जाकर लिखना है प्रूफ पे क्लिक, इनेबल करता हूँ, उसके बाद मैं इसको इनेबल करके बताऊंगा। जैसे ये देखो ये शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो गई है, ये देखो प्रूफ बियर आ गई, इसको मैं पिन कर देता हूँ, ये इधर ही आ जाएगी, ठीक है, ऐप्स इधर आ जाएगी, पिन कर देता हूं, ये देखो इनेबल, यहां डिसेबल लिखा होगा, ये देखो यहां डिसेबल लिखा होगा, आप इसे इनेबल कर देना, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूं, इसको भी रिफ्रेश करता हूं, अब देखना मैजिक, अगर तो आ गई, देखो ये टाइम लगाती है थोड़ा सा, एक से दो मिनट लगाती है इंटीग्रेट होने में। सर जब कोई स्क्वायर टू क्वाड वगैरह करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट उसके बाहर आते हैं नोटिफिकेशन इसके पॉप, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, प्रूफ बियर जैसे इंस्टॉल करोगे ना, और रिफ्रेश करता हूँ ये शायद आ जाए, ये थोड़ा टाइम लगाती है लेकिन आ जाती है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ना, ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे क्या होगा, मैं अपने स्टोर पे दिखा देता हूँ, ये तो मिसबा से भी स्लो है ये यार, इतना स्लो नहीं है ये, देखो अभी यहाँ पॉपअप आएंगे, रेंडम आते हैं, अगर आ जाए तो यार मैं इधर ही दिखा दूँ, ये ना थोड़ा टाइम लगाती है इंटीग्रेट होने में, लेकिन हो जाएगा, इसे इतना मस्ता नहीं होता, इतने ब्लॉक को ऊपर है, ठीक है तो नहीं यार, अगर यहाँ लाइव आ जाए तो ज्यादा बेटर, नहीं थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन चलो मैं इधर दिखाता हूँ। अब आपको ना यहाँ पॉप नजर आएंगे रैंडमली, ये मेरा नेट ना स्लो चल रहा है, इसकी आई थिंक सो याद नहीं रहा, नेट तो सही चल रहा है, क्यों पॉपअप क्यों नहीं आ रहा है। ये देखो ये रिलीज सीओडी फॉर्म ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब ये पैसों का मिलता है, इसके लिए मैं $5 पे करता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, ये जब स्टोर थोड़ा आपको थोड़ा हो जाएगा यार, ये ना आई थिंक सो मैं तुमने प्रोडक्ट पर पिक किया, अगर कुछ भी ऑफ किया हुआ है, यार आ जाओ भाई, आ जाओ ब्रदर, आ जाओ
सर ये आपके जो प्रोडक्ट के नीचे आ जाता है कि इतने घंटों में इतने प्रोडक्ट सेल हो गए, ये रियल है सर? ये भी पैसों का, ये फेक है, फेक है, इसके ऊपर ना लगा इससे ज्यादा। मतलब ये देखना, अभी देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि 16 सोल्ड इन 18 आवर्स, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये कह रहा 5 सोल्ड इन 19 आवर्स, फिर मैं स्कैम हो गया, फिर 14 सोल्ड इन 16 आवर्स, फिर मैं से चेंज करता हूँ। ये भी पेड है या क्या? ये रैंडम रैंडम है, ये मैं आपको बताऊंगा इसको से। ये मैं परेशान हो गया था, ये दो दिन से परेशानी हो गई थी। ये भी पेड है, मैं कह रहा था ये क्या सीन। नहीं नहीं तो यार एक अच्छा ये प्रूफ बियर कर लें, ठीक है? रेडॉक्स पे होगा, रेडॉक्स पे होगा ठीक है, ये प्रूफ बियर होता है कि कस्टमर आया, कस्टमर ने सिंपल यहाँ देखा कि प्रूफ बियर भी आ रहा है कि यार अहमद ने भी परचेज किया है, बोलेगा चलो मैं भी क्लिक कर देता हूँ। एक उसको ये चीज फोर्स कर रही है, एक बाय बटन फोर्स कर रहा होता है, तो फोर्स कर रहा हो, ये बार बार हिल रहा हो इधर से, ये चीज मैं कहता है अब मैंने खरीदने खरीदने, समझो बड़े आराम हो बेटा जी। अरे वाह, अच्छा काम आने देखा, तो ये होता है कस्टमर ग्रैब से, ठीक है? अब आगे एक और एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर दी, ठीक है? अब ये प्रूफ भी, अब दो एप्लीकेशन, ये दो एप्लीकेशन के अलावा आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल, हाँ एक सॉरी और, ठीक है, एक और आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है पुश डैडी, पुश डैडी, ठीक है? आपने पुश डैडी इस तरह की एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है, यहाँ आप पुश मम्मी का भी कर दें। आप इसको लिखो व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप लिख के ना, व्हाट्सएप लिखने के बाद ना एंटर करो, जैसे आप व्हाट्सएप लिखने के बाद एंटर करोगे ना, यहाँ आपको ना किधर गया हुआ, ये देखो इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये देखो इसने लिखा हुआ कि डोंडी, मतलब इसका नाम है डोंडी व्हाट्सएप चैट बटन, आपने इस पर क्लिक करना है, एक ये एप्लीकेशन ऐड करनी है, इसको आपने ऐड ऐप पे क्लिक करना है, ऐड ऐप पे क्लिक करना है डोंडी व्हाट्सएप ऐड चैट में, इसको ऐड ऐप पे क्लिक करना है, और ऐड ऐप पे करने के बाद ना सिंपली क्या उसका नाम है इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना, जैसे ही आप यहाँ से इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपका व्हाट्सएप जो है ना आपके शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब कि आपके एप्लीकेशन ऐड हो जाएगी, तो आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को व्हाट्सएप के लिए ऐड अ व्हाट्सएप चैट बटन यहाँ से ऐड कर देना। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप स्मॉल आना चाहिए, मीडियम आना चाहिए, लार्ज, आपने कहना कि मेरा मीडियम आना चाहिए, ठीक है? आगे आपने यहाँ से रीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, और यहाँ अपना नंबर लिख लेना है, आपका जो भी नंबर है, ठीक है? ये लिखने के बाद ना बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना, यहाँ से सेव कर देना, तो सेव कर लो। जैसे ही आप इसे सेव कर लोगे, आपने इसको कैसे करके ना अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है। अब आपने यहाँ से रिफ्रेश किया, अब ये जो व्हाट्सएप बटन है ना आपका, आपके इस साइड पे यहाँ आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा अगर ये थोड़ा टाइम लगा, 10-15 मिनट या सब टाइम, 1 घंटा भी लगा लेते हैं, लेकिन ये इधर आ जाएगा, ये इजीली इस जगह पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ 2 से 3 दफा, ये आपका व्हाट्सएप बटन है, इस जगह पे बना हुआ आ जाएगा ऐसे। किसी कस्टमर को फर्ज करो, अभी ये देखो प्रूफ बियर भी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगाता है, 1-1.5 घंटा लगता है, ठीक है, वैसे आ जाता है। अब देखो किसी कस्टमर को फर्ज करो, पहली चीज इंसिस्ट क्या करती है उसको, यहाँ ये प्रूफ बियर इंसिस्ट कर रहा था भाई लोग खरीद ही जा रहे हैं, तू भी खरीद ले, यहाँ से भी वो फेल हो गया उसका, यहाँ क्या उसका नाम है, वो इधर बाय बटन भी उसे फोर्स कर रहा है, वो यहाँ से भी फेल हो गया, व्हाट्सएप का बटन बना, वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे, वो मैसेज कर देगा भाई मुझे वो चीज चाहिए, आप उसका वो उधर आपको बताएगा आपके पास एक ऑर्डर आ गया फंस के, उसे आप बात करके कन्विंस कर, कैसा? ये व्हाट्सएप का बटन भी आता है, तो मैंने उसके अंदर नंबर ऐड नहीं ना किया था, इसलिए नहीं आ रहा, देखो मैं डोंडी के ऊपर जाता हूँ, तो ये व्हाट्सएप इजीली ना यहाँ व्हाट्सएप, सर इसकी सर इसको समझ आ गई सर, आगे बढ़े, ठीक है? यस सर समझ आ गई है, एक मिनट शायरों से
अच्छा इसको थीम का क्लिक भी करना है, इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसके ऊपर आपने जाना है, इसके ऊपर जाना है तो आपने यहाँ लिखा होगा थीम एडिटर, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद थीम एडिटर में जाने के बाद इसको सेव भी करना है, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा, तो आपने इसको थीम के अंदर में सेव करना है, मुझे दो मिनट दो सिर्फ, ये सेव हो जाएगा, ये आपका यहाँ सेव हो गया, ठीक है आपका ये यहाँ सेव हो जाएगा। अब जिसका यहाँ सेव हो जाएगा ना, ये सेव हो गया, ये लाइन तो पूरा हो गया, ये लाइन पूरी हो गई, ठीक है आप इसको क्रॉस करना, अब आप ये न्यू टैब ओपन करके रिफ्रेश करो, जिस तरह का नाम स्टडी मैंने किया हुआ है, इंटीग्रेट स्टडी यूज करना, ये तकरीबन एक से आधा घंटा लगाता है, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट हो जाता है, फिर ये आ जाता है, ठीक है तो आपका आ जाएगा। अब आपके लिए मतलब कस्टमर से ग्रैब करना बड़ा ही है, इस अब यहाँ रिकॉर्डिंग जो है ना स्टॉप कर, ठीक है ये दो चीजें मैंने, सर एक सवाल है सर, इधर स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।